ट्रेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं मौजूद हूँ दरगाह के अंदर। दरगाह के अंदर का अच्छा कैसा मंजर रहेगा और जैसे कि मैं बता दूँ जुम्मे की नमाज के बाद का कैसा मंजर रहेगा वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और किस तरह से खिदमत के मौके का मंजर रहता है और काफ़ी खूबसूरत दुआएँ खैर पड़ते हैं दरगाह के जो खुदा में खादिम होते हैं तो उस समय किस तरह तमाम सारे मेहमानों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहकर देखें आप और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए दोस्तों कैमरा माशाल्लाह। दोस्तों अभी मौजूद है अपन जुम्मे की नमाज़ के बाद दरगाह शरीफ के अंदर और जुम्मे की नमाज़ के बाद का क्या मंजर रहता है वही हम आपको इस वीडियो में अभी दिखा रहे हैं। देख सकते अभी अपन मौजूद है शाहजहानी मस्जिद में और शाहजहानी मस्जिद का ये मंजर है जो भी आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह आज जो मैं आपको मंजर दिखाऊँगा खिदमत के मौके का मंजर दिखाऊँगा खिदमत के मौके पर क्या माहौल रहता दरगाह के अंदर और किस तरह की कवाली की महफिल होती है और दरगाह के जो खुदाम खादिम होते हैं वो माशाल्लाह खिदमत के मौके पर बड़ी खूबसूरत दुआएं खैर पड़ते हैं। तो दोस्तों जुम्मे की नमाज़ के बाद खिदमत का कैसा एक मंजर रहेगा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहकर आप देखें। तो अभी चलेंगे अपन जन्नती दरवाजे की तरफ और जन्नती दरवाजे की तरफ कैसा मंजर रहता वो आपको दिखाते हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों अभी आ गए अपन जन्नती दरवाजे की तरफ और जन्नती दरवाजे की तरफ का ये मंजर है जो आप अभी देख रहे हैं। चलो दोस्तों जन्नती दरवाजे की तरफ से अभी अपन चल रहे हैं आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ पाइती गेट की तरफ और पाइती गेट की तरफ कैसा मंजर रहता वही आपको अभी दिखाएंगे। और माशाल्लाह दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ पाइती गेट की तरफ और पाइती गेट की तरफ ये देख सकते हैं आप तमाम जैन मेहमानों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी और यहीं पर भी कवाली की महफिल चल रही है। तो माशाल्लाह अभी बड़ी खूबसूरत जो है कवाली की महफिल में तमाम जैन मेहमान बैठ के कवाली सुन रहे हैं आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ। देख सकते हैं ये मंजर आप माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत। और माशाल्लाह जैसे कि अभी आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ ही कवाली की महफिल चल रही है तो वहीं पर ये भी दरगाह के जो खुदाम खादिम है आस्थाने के दो नंबर गेट से बाहर की ओर निकल के आएंगे जहां पर अभी कवाली की महफिल चल रही है और वहीं पर खड़ा होकर दुआएं खैर करेंगे। तो कैसा पूरा मंजर रहता उस समय तमाम जैन मेहमान किस तरह से सरों पर रखवाते हैं और दुआएँ खैर की दरख्वास्त करते हैं तो पूरा ही मंजर आप देखना खिदमत के मौके का है जो मैं आपको भी दिखाई रहा हूँ। और माशाल्लाह किस तरह तमाम जैन मेहमानों की भीड़ है आस्थाने के दो नंबर गेट की तरफ। तो ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं इसे ही आस्थाने का दो नंबर गेट कहते हैं। यहीं से भी दरगाह के जो खुदाम खादिम है यहीं से बाहर की ओर आएंगे अभी और माशाल्लाह यहीं पर ही दुआएं खैर होगी और इसी मारे जो है तमाम जैन मेहमान कवाली की महफिल में जो है बैठे रहते हैं और जब खिदमत का जो टाइम रहता है और जब वो बाहर आते हैं आस्थाने मुबारक में से तो यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी जायरीनों की भीड़ देखने को मिलती है। तेरे कलम की बात है माजा।
आपकी बार का आपके दर दौलत पे हाजिर है, इन सब की हाजिरी को कबूल अता फरमाए। जो बीमार है हमको शिफाए कामिल अता फरमाए। जो कर्जदार है हमको कर्जदारी से जाता फरमाए। सबके घरों में खुशियाँ अता फरमाए। आपके दरबार की बरकत अता फरमाए। रहमत अता फरमा दो नवाज बगर ताबे बला और माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दरगाह के जो गुदाम है खादी में, वो आसमाने के दो नंबर गेट में से बाहर की ओर निकल के आएंगे। तो माशाल्लाह भी देख सकते हैं किस तरह का काफी खूबसूरत मंजर हो चुका है अभी। माशाल्लाह दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया था खिदमत के मौके कैसा मंजर रहता है, किस तरह से दरगाह के खुदाम खादिम जो होते हैं वो दुआएं खैर पढ़ते हैं, और माशाल्लाह इसी तरह से रोज़ाना खिदमत के मौके पे ऐसा मंजर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आस्थाने के दो नंबर गेट की तरह कैसा मंजर था मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो अभी चलेंगे अपन आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ और वहाँ का कैसा नज़ारा रहता है, क्या ज़ियारत के लिए लाइन लगी रहती है, क्या भीड़ रहती है, तो आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ, और आस्थाने के एक नंबर गेट की तरफ का ये मंजर है जो भी आप देख रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, तमाम जैन मेहमानों की भीड़ यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। माशाल्लाह दोस्तों, आस्थाने के एक नंबर गेट की तरह कैसा मंजर था मैंने आपको दिखा दिया हूँ। तो अच्छी कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट करके जरूर से बताओ, और हमारे चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको इसी के साथ एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।